दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी मदद चाहिए मुझे। दोस्तों स्क्रीन पे आप लोग कुछ फ़ोटो देख लीजिए और घर की हालत देख लीजिए आप लोग फ़ोटो में कि घर की हालत कैसी है। मिट्टी का घर बना हुआ है और झोपड़ी है और एक आध झोपड़ी तो उसमें गिर भी गई है और मिट्टी का घर बना हुआ है, काफ़ी पुराना घर है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये सभी चीज़ें क्यों दिखा रहा हूँ अभी मैं आप लोगों को वीडियो के आगे क्लियर कर दूंगा। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इधर उत्तर प्रदेश में मतलब आवास आता है, मतलब ग्रामीण आवास बोला जाता है, उसके बारे में डिटेल नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन आवास मिलता है 1 लाख कुछ, मतलब सरकार की तरफ से पैसा मिलता है। तो जिन लोगों के पास रहने का घर नहीं होता है, मिट्टी का घर होता है, कच्चा घर होता है, तो सरकार की तरफ से वो मतलब मिलता है, फॉर्म भरा जाता है उनके नाम से, जो होते हैं मालिक घर के उनके नाम से भरा जाता है। उनके पास घर नहीं होता है तो सरकार उनको देती है, वो प्रधान के थ्रू आता है। तो जो गांव के प्रधान होते हैं वो देखते हैं कि किसके पास घर नहीं है, किसके पास नहीं है, किसके पास व्यवस्था नहीं है, तो वो सभी चीज़ें व्यवस्था जो है मतलब देते हैं सरकार की तरफ से, जो भी सुविधाएँ आती हैं वो मिलती है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों के पास रहने के लिए, देख ही सकते हो स्क्रीन पर आप लोगों को मैंने फ़ोटो दिखाई दिया कि इन लोगों के पास घर कैसा है। इन लोगों का घर मतलब इतना मतलब बेकार हो चुका है ना, मतलब काफ़ी साल से ये लोग अपने प्रधान से जाकर रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं कि सरकार की तरफ से जो आवास आता है हमें दिला दीजिए। अब ये जिनका घर मिट्टी का है ये लोग रिक्वेस्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि इनकी जो आर्थिक स्थिति है इतनी सही नहीं है। अगर आर्थिक स्थिति सही होती तो ये लोग क्या करते, खुद से ही अपने ही दम पर ये लोग बना लेते, ये उनके भरोसे नहीं रहते। तो यहाँ पर इसी वजह से इनकी जो आर्थिक मतलब स्थिति है ये अच्छी नहीं होने के कारण ये लोग जो है प्रधान के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, लेकिन इनकी एक भी सुनवाई नहीं होती है। और उसी गांव में जिसके पास ऑलरेडी पहले से ही सभी व्यवस्था है उनको सब कुछ मिल जाता है, और मैंने यहाँ पर लिस्ट भी चेक किया हुआ है जिनके पास ऑलरेडी पहले से ही मतलब रहने की व्यवस्था है, सब कुछ व्यवस्था है, उनको वो सारी चीज़ें मिल जाती है। अब मुझे नहीं पता कि वो लोग क्या करते हैं, उस गांव के प्रधान लोग क्या कर रहे हैं, घूस ले रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, मैं सब पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि 90% जो गांव के प्रधान होते हैं वो समझ लीजिए ना वो सही काम नहीं करते, धोखाधड़ी बेईमानी, उनका दो ही काम होता है पैसा और पावर, दो ही चीज़ उनका मतलब होता है। और 10% लोग ही ऐसे होते हैं गाँव के प्रधान, वही सही लोग होते हैं 10%, बाकी 90% मैंने देखा है कि बेकार होते हैं। यहाँ तक कि जिस गांव में मैं रहता हूँ यहाँ पर भी वही सीन है। अब मुझे बुरा इसलिए लगा, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये लोग काफ़ी परेशान थे, काफ़ी रो रहे थे, काफ़ी गिड़गिड़ा रहे थे क्योंकि इनके घर में 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर में से 1 मेंबर बीमार है, बीमार रहता है, वो मरीज है, 1 मेंबर कमाने वाला है, 4 लोग खाने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जो कमाता है वो उसकी सैलरी इतनी नहीं है कि वो अपने दम पर एक घर बनवा सके। तो वो सरकार से कुछ मदद चाहता था इसलिए प्रधान के आगे जाकर लोग गिड़गिड़ाते थे, मतलब रिक्वेस्ट करते थे कि हमारा आवास दिलवा दीजिए, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो कुछ पैसे लगाकर हम लोग घर बनवा लेंगे। तो यहाँ पर प्रधान ने इनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी की, पिछले जो प्रधान थे वो तो हार गए, चले गए, अब नए प्रधान बने हैं, इनसे भी काफ़ी रिक्वेस्ट की, इन्होंने भी नहीं भरा, इन्होंने किसी और का भर दिया फॉर्म, जिसके पास व्यवस्था पहले से थी उनको फिर से मिल चुका है, मतलब ये आवास उनको मिला हुआ है, और जिनके पास व्यवस्था नहीं है, जिनका घर टूटा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो, इनको मिला ही नहीं है। तो पानी सर के ऊपर इतना चढ़ गया कि मुझे इस पर एक वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि इनकी सुनने वाला कोई भी नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाकर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं, और आप लोगों को देखिए मैंने जैसा कि बताया कि आप लोगों से मतलब मुझे मदद चाहिए, तो मदद यही है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये वीडियो अगर उत्तर प्रदेश के किसी भी अधिकारी के पास जाती है तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि सर आप लोग मतलब कृपया इन लोगों की मदद कीजिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जिन लोगों के पास पहले से ही व्यवस्था है उन लोगों को मिल जाता है, जिन लोगों के पास नहीं है उनको मिलता ही नहीं है। कोई अंधा भी रहेगा तो भी मतलब मिल जाना चाहिए, कोई अंधा प्रधान भी रहे ना तो वो भी दे देगा इनको, इनके जैसे लोगों को, और इनके जैसे लोग पता नहीं कितने होंगे जिनको नहीं मिलता होगा। तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है, तो इस चीज़ पर मैंने सोचा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि मेरे वो पहचान वाले थे तो उनकी कोई सुन नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं मैं। वीडियो बनाने के बाद आप लोगों से मुझे यही मदद चाहिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस टॉपिक पर मैं एक और वीडियो बनाऊँगा और वहाँ पर पर्सनली जाकर मैं आप लोगों को घर दिखाऊँगा कि घर कैसा है। अभी तो मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ लेकिन मैं घर भी दिखाऊँगा कि घर कैसा है, किस तरीके से टूट गया है, किस तरीके से रहते हैं,
हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फेसबुक पे शेयर कीजिए, ट्विटर पे शेयर कीजिए, और इस वीडियो को मतलब इतना शेयर कीजिए कि उत्तर प्रदेश के किसी भी अधिकारी के पास, उत्तर प्रदेश सरकार के पास इस वीडियो को आप लोग पहुँचा दीजिए किसी ना किसी तरीके से। और दोस्तों मैंने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट किया हुआ है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप लोग ट्विटर यूज़ करते हो तो आप लोगों को सिंपली करना क्या है, आप लोगों को उस लिंक पे क्लिक करना है और अपने ट्विटर पे आप लोग पहुंच जाओगे, और जो मैंने ट्वीट किया हुआ है आप लोगों को एक बार रीट्वीट कर देना है, और उस मतलब ट्वीट को आप लोगों को लाइक कर देना है और उसको शेयर भी कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बस आप लोगों से मुझे यही मदद चाहिए थी, और इस पर मैं एक और बहुत ही जल्द वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, और आपकी क्या राय है आप कमेंट करके भी मुझे बता देना।